हाल ही में आप सब ने यमुना नदी में गंदगी का मुद्दा तो सुना ही होगा, जिसके चलते सभी पार्टियां दिल्ली सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर निशाना साध रही थी। लेकिन यह समस्या सिर्फ दिल्ली सरकार की नहीं अपितु पूरे भारत की है, और यह समस्या सिर्फ अभी की नहीं बल्कि काफी पुरानी है, जिस पर अक्सर सरकारें काम करना तो दूर बोलने से भी कतराती हैं। लेकिन कुछ सालों पहले केंद्र सरकार ने एक अनोखी पहल करते हुए एक अभियान की शुरुआत की थी, जिसको स्वच्छता सर्वेक्षण का नाम दिया गया। इस सर्वेक्षण में सरकार गंदगी, प्रदूषण और अस्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हर साल देश के राज्यों व शहरों को उनके स्वच्छता के हिसाब से एक लिस्ट जारी करती है, जहां स्वच्छ राज्यों व शहरों को सम्मानित किया जाता है। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं राष्ट्र दरबार। शनिवार यानी कल दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के परिणामों की घोषणा की गई, जहां भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 342 साफ शहरों को सम्मान समारोह में सम्मानित किया। इस अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी एवं अन्य लोग भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण समारोह में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान गुजरात के सूरत को और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को प्राप्त हुआ। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। कर्नाटक के मैसूर ने 2016 में भारत के सबसे साफ शहर के पुरस्कार को जीता था, जिसके बाद से इंदौर ने 2017 से अभी तक शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया हुआ है। इसमें एक शहर को केवल एक ही पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दें कि 2021 के सर्वेक्षण में महाराष्ट्र को कुल 92 पुरस्कार प्राप्त हुए, जबकि छत्तीसगढ़ को कुल 67 पुरस्कार मिले। मंत्रालय के अनुसार 9 शहरों इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन को कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में 5-स्टार रेटिंग वाले शहर के रूप में प्रमाणित किया गया। पिछले साल की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सर्वेक्षण में स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। हालांकि स्वच्छता की श्रेणी में सबसे नीचे पायदान में रहने वाला बिहार स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में दूसरे और तीसरे पायदान में रहा, जहां मुंगेर को दूसरा और पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, और गांधी जी की इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति ने बताया कि 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य द्वारा सिर पर मैला ढोना एक शर्मनाक प्रथा है, और इसे रोकने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज और हमारे देश के नागरिकों की है। गौरतलब है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के आधार पर अस्वच्छता और पानी की समस्या के कारण विकासशील देशों को हर साल $260 बिलियन यानी 1,932 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। भारत जैसे बड़े देश में अस्वच्छता एक बड़ी समस्या रही है। आजादी के पहले महात्मा गांधी ने इस समस्या को बहुत करीब से देखा था। गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन उनका स्वच्छ भारत का सपना आज भी अधूरा है। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बाद उन्होंने काफी सारे स्वच्छता कार्यक्रम चलाए, लेकिन आजादी के बाद की सरकारों का ध्यान इस तरफ अधिक नहीं गया। हालांकि अब के आधुनिक भारत में इस समस्या को लेकर आज की सरकारें थोड़ा बहुत जागरूक होती दिखाई दे रही हैं, जिसका उदाहरण वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान और स्वच्छ भारत अभियान है, जहां अब सरकार और समाज द्वारा अस्वच्छता की समस्या को जड़ से दूर करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कोशिशों के बावजूद भी इस साल की विश्व के सबसे स्वच्छ 173 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 162वें स्थान पर था, जो हमारे देश के यथार्थ को दर्शाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। राष्ट्र से जुड़ी ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।